अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? मेरा नाम अशरफ अली। मुझे ये बताएगा, खान साहब ने कहा है तालीम कार्ड दूंगा, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, गरीब का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े जहाँ पर अमीर। खान साहब ने तो बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन ये आगे इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया है। सेहत कार्ड दोबारा ओपन होना चाहिए, क्योंकि आवाम का उसमें फ़ायदा है। सेहत कार्ड हो, तालीम कार्ड जो भी है, लेकिन वो ओपन करना चाहिए। आवाम को फ़ायदा हो रहा था? फ़ायदा हो रहा था। नून लीग ने कोई कार्ड का इजरा किया था, कोई ऐसी फलाही स्कीम? कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि ये जो भी काम कर रहे थे इन्होंने सब आगे बंद कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो शुरू किया था बेनजीर इनकम सपोर्ट, उसका आवाम को फायदा? वो भी अच्छा काम था, क्योंकि उस पर भी आवाम को बहुत फ़ायदा मिला है। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिला, जिसको मिला वो उनको तो फ़ायदा हो रहा है। तो सर, जिन ऐसे लोगों को कार्ड मिला जिनको फ़ायदे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन किसी और का हक मार लिया, इस वाले ये तो हुकूमत को अमल करना चाहिए इस चीज़ पर भी, जिनको नहीं ज़रूरत वो भी ले रहे हैं, जिन्हें ज़रूरत है उनको मिल नहीं रहा। तो आवाम को भी तो सोचना होगा कि अगर ज़रूरत नहीं है तो ना। आवाम कहती है अगर बड़े चोर हैं तो हम छोटी सी चोरी कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। आटा देने के लिए अहल और नाअहल के मैसेजेस आ सकते हैं, चेक किया जा सकता है पूरा रिकॉर्ड, तो कार्ड देने से पहले 12,000 रुपया देने से पहले? ये हुकूमत का काम है, हुकूमत को चाहिए ना ये चीज़ें चेक करे। तो सर चेक नहीं करते, आँखें बंद? आँखें बंद करती हैं, वो देखते हैं जी हमारा किस में फ़ायदा हो रहा है। करप्शन हो रही है इसका मतलब? जी हो रही है। सर मुझे ये कहिएगा कि आपने 2018 में किसको बोला? मैंने किसी को भी नहीं दिया। किसको देना? अब दूंगा इमरान खान को। इमरान खान को 2018 से पहले किसको देना? उससे पहले भी नहीं कभी किसी को दिया। इस बार आपने इमरान खान को क्यों वोट दे? इसलिए मैं देना है, इंसान अच्छा है। इसे पता है इंसान की आंखें हैं, दिमाग है, कान है, इंसान को पता चलता है पहले जो 30 साल से काम कर रहे हैं उन्होंने क्या तरक्की की है, क्या कुछ दिया है। अब दोबारा उनको फिर ले आएंगे, फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। नए आदमी को चांस देना चाहिए। 2018 में फिर क्यों ना वोट दिया आपने? खान साहब तो ऐसे ही थे, अच्छे थे। अच्छे थे लेकिन इतना जेन नहीं था। अब उसने बहुत ज़्यादा बातें समझा दी हैं, भी जो भी बात है वो आवाम के सामने खुल के कर रहा है, ये आवाम से छुपा रहे हैं। आपको लगता है जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं आवाम के लिए फैसले लिए जाते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो हैं वो पब्लिक करनी चाहिए? क्योंकि वो सिर्फ ये देख रहे हैं आवाम से हर बात छुपाई जा रही है, अवाम के आगे नहीं ला रहे हैं। ये आया है जो 3-4 साल इसने हुकूमत की है, अवाम के सामने सब कुछ रखा है, इसने कोई बात नहीं छिपाई। अब यहाँ तक अवाम को ये नहीं पता था ये पैसा किससे ले रहे हैं, कौन सी कंपनी है, बाहर की है, पाकिस्तान की है या यूरोप की, जो सी कंपनी है। खान साहब ने आगे ये सब को ओपन कर दिया है भी, ये हम इनसे पैसा ले रहे हैं, इनकी गुलामी करते हैं, इनके आगे झुक रहे हैं। खान साहब ने ये दो बातें इनकार की हैं, उनको नीचे उतार दिया है। सर आपको लगता है खान साहब ने तो ये भी बता दिया कि किसका कितना हक है, किसका कितना किस चीज़ को देने का ऑर्डर है आइनी तौर पर, और मुझे ये बताएगा कि इस आइनी पाकिस्तान में आइनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब को कौन? फिर चीज़ को छोड़ दे, भी वज़ीर आला है मौजूद, छोड़ दे, बात बहुत लंबी हो जाएगी, और की बात कर ली। खान साहब को एक पैगाम दे दें जो भी आपने कहना है कैमरा की तरफ। खान साहब बहुत अच्छे इंसान है, इंशाल्लाह खान साहब दोबारा आएंगे। मुखालिफ पार्टियाँ जो भी कुछ कर रही हैं उनका कुछ भी नहीं होना, खान साहब इंशाल्लाह दोबारा आएंगे वापस। आप दोबारा वापस आएंगे, मुखालिफ पार्टीज जो मर्जी करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। मज़ीद बात भी कर लेते हैं लोगों से और जानते हैं कि क्या कोई ऐसी फलाही स्कीम मुख्तलिफ दौरे हुकूमत में की गई कि आवाम की कोई फलाह हो सके या नहीं।